मेरी पीढ़ी के तमाम लोगों के लिए एच व्हीलर्स के स्टॉल्स का मतलब किताबों की दुनिया हुआ करती है। पिछले 1.5-2 दशकों में रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले एच व्हीलर्स के बुक स्टॉल कोई उत्साह नहीं जगाते, इसलिए कि वहाँ कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, पानी की बोतलें मिलेंगी, तरह तरह के स्नैक्स मिलेंगे, नहीं मिलती है तो सिर्फ किताबें। एच व्हीलर्स के प्रमोटर्स बनर्जी परिवार के लोग इलाहाबाद में रहते हैं, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है। तो बनर्जी परिवार ने 1966 में इलाहाबाद के सिविल लाइंस में व्हीलर्स का एक बुक स्टोर शुरू किया था। बुक स्टॉल के हाल के बरस जब हम इस बुक स्टोर को देखते हैं तो ये किताबों से जगमगाती वही दुनिया है जहां किताबों के कदरदान, किताब पढ़ने के शौकीन आना पसंद करेंगे। किताबें हैं, किताबों से भरी बुकशेल्फ्स हैं, बहुत सुंदर मध्यम संगीत है, और व्हीलर्स के इस बुक स्टोर का होना दरअसल किताबों की दुनिया से वाबस्ता या किताबों को पसंद करने वाले लोगों के लिए एक उम्मीद जगाता है। When we used to study in the school and all, sir, the people used to come for, जैसे school से छूटे तो teachers जो थे, चाहे वो English department के थे या history department के, they used to refer a book. आप जाइए वहाँ पे, आप ये book लीजिए, जाके इसको पढ़ के आइए, then we'll discuss about things. Now from last 20 years, let's say from last 15 years, if I should say specifically, I'm right, nobody's coming. People are going for other things. You see around us, बहुत lucrative mall खुल गए, ये खुल गए, बच्चे अब पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। I don't know what is the reason. घर में भी वो पढ़ाई की बातें नहीं हो रही हैं, और जो है लोग जो है घर में बस, आजकल टीवी में जो एक सोप ओपेरा चल रहा है, कौन बनेगी सास और कौन बनेगी बहू, ये इसको ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। Nobody is discussing about the books. You can see this is 11:30, 12 o'clock. Nobody is here. छुट्टियां चल रही हैं। पहले पेरेंट्स लोग छुट्टियों में बच्चों को लाते थे, और अच्छे से हमें याद है, अच्छे से हमारे फादर लेके आते थे, कहते थे ये 2-4 किताबें, इसको पढ़ना, एंड देन राइट एन एसे एंड लेट मी नो आपने क्या सोचा इसके बारे में। तो आजकल पेरेंट्स मे बी बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली और क्या है, आई डोंट नो अबाउट दिस, आई एम नॉट अ सोशल थिंकर, मैं इस पर कमेंट करूँ, बट बुक रीडिंग एज ए सच खत्म हो गई। अब देखिए मैं बुक ढूंढ रहा हूँ, आप पिछले 20 साल से यहाँ पे बुक देख रहे हैं, बट जो है प्रॉब्लम इसकी, अब हम लोग को बुक लिखानी पड़ रही है, ये भी नहीं मंगाते, इसलिए नहीं मंगाते क्योंकि अब रीडर्स नहीं है, तो किसके लिए मंगाएंगे। हम लोग ऐसे समय देखें कि यहाँ प्रोफेसर 3-3, 4-4 प्रोफेसर किसी टॉपिक पर खड़े खड़े आधे घंटे और घंटों भर डिस्कशन कर लेते, तो वही डिबेट हो जाते थे दोपहर में। सब लोग यहाँ आया करते, पर आ जाया करते, यहाँ प्रोफेसर वो अमर सिंह, कौन सा अमर सिंह, पति साहब और मानस दाजी, और ये क्या कहते हैं, एक और थे सक्सेना जी, कहते सक्सेना, हाँ, ये सब जब जुट जाते थे ना, तो खड़े खड़े जो है कि हर प्रोफेसर बताता था कि चलना वही, मिलना वही, बात ये रोटेशन, वो कल्चर खत्म हो गया। बात देखिए मुझे उसका डिटोरेशन हुआ। आप कब की बात बता रहे हैं प्रोफेसर जी? वही 15-20 साल पहले, 15-20 साल के पहले की बात बता रहा हूँ। 2000 के उधर ही माने, तभी थे इन लोगों का शरीर, 6-7 के बाद शायद प्रोफेसर अमर सिंह चले गए और पति साहब भी निकल गए। फारूकी साहब तो अभी, इनका शरीर था अभी 2 साल पहले, तो 2.5 साल हुआ, 3 साल हो गया, तब तक आते रहे, तब उसके पहले आते थे, मतलब अपने अंतकाल के 2-3 महीने पहले यहाँ आए थे, बीमार होने के पहले आते, हाँ बीमार होने के पहले यहाँ आए। आप यहाँ कब,
मैं सर यहाँ 89 से। अब वो कल्चर खत्म हो गया सर, पढ़ना तो चाहता ही, nobody wants to read actually। और जब तक देश पढ़ेगा नहीं तो देश जानेगा कैसे सर। और जब जुलाई स्कूल खुलता था लोग बात करते थे, तुमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा। अच्छा आपने पढ़ा, तो जो टीचर थी बोलते प्रेयर में यार तुमको ये सुनाना है, ये सुनाना है, ऐसे लिखना है, लिखिए। उसमें करेक्शन होता था सर ऐसे में। हम लोग ये बात कर रहे थे कि ममता जी, ममता काड़िया जी ये कहती हैं कि लोगों ने बुक छोड़ के फेसबुक को अपना लिया है। तभी यादव जी ने ये बात कही कि उसमें कुछ दिमाग में रह ही नहीं आता। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो लोग देखते हैं वो तो दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है। किताब की बात दिमाग में ठहरी रहती है, रुकी रहती है, और कितने साल तक रुकी रहेगी कोई नहीं जानता। कभी कभी आजीवन रहती है। अगर आप किताब को थोड़ा से थाड़ से पढ़े हैं तो ये मेरी गारंटी है कि अगर 10 साल बाद भी उस किताब में कहीं बात चलेगी तो आप उसमें से 20% आपको बातें याद आ जाएंगी। ये फैक्ट। हाँ हमने फेसबुक पर कल क्या देखा था मुझे याद नहीं। हाँ ये नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो इतने वो हैं कि कोई एक ही चीज तो है नहीं। अभी ये देख रहे हैं तो से आ गया दूसरा, तो उसका मन हो गया। सूचनाओं की भरमार है। हाँ बड़ा दुख होता है सर इस शहर को देखते हुए, बड़ा डिटोरेट हो रहा है। मैंने देखा अभी कॉफी हाउस में बना रहे थे अभी खड़े होके, तो मैं वहां से निकल के आ रहा था अभी बुक खरीदने के लिए, तो मुझे लग रहा था कि क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, और शहर में तो कुछ रह नहीं गया ऐसा बनाने लायक जो हम लोग को देख के बहुत प्राउड फील करते हैं। अभी क्या है जो ज्यादा पढ़ा जा रहा है, जो लोग आते हैं जो नहीं हैं अब तो के? ये हम कुछ नहीं कह सकते सर। अब तो मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत जो लोग आ रहे हैं उनमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये चीज़ बहुत बिक रही है, लेकिन थोड़ा से सेल्फ हेल्प की और थोड़ा से फिक्शन वगैरह अभी निकलते हैं। लेकिन जो एकेडमिक रीडिंग थी जैसे प्रोफेसरों की या टीचरों की या एकेडमिक जिनकी सोच थी वो तो जैसे समाप्त प्राय होती जा रही है। शहर कैसे बदलते हुए देखा आपने, आपको लंबे समय से? नहीं नहीं शहर को तो सर एक चीज बताएं कि हम लोग, हमारा तो जहाँ तक ध्येय कि शहर का आज जो एकेडमिक बन है, जिसको शहर को इलाहाबाद शहर को कहा जाता था कि यहाँ सरस्वती विराजमान है, तो वो बात थी। अगर हिंदी की बात होती थी तो बिना इस शहर को छुए नहीं होती थी, और अंग्रेजी तक पर भी बात होती थी, लेकिन पर आज वो स्थिति नहीं है। चूँकि लोगों को पता नहीं क्या रुझान है, हमें तो लगता है सबको जो है कि वो फैशन की तरफ मार है कि हमारे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, ये घोड़ा होना चाहिए, ये पला होना चाहिए। किताबों की तरफ किसी का रुझान समझ नहीं आ रहा, जबकि ये बहुत बड़ा नुकसानदेह है।